हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम बहुत ही टेस्टी कटोरी चाट बनाने वाले हैं। चाट, जैसा कि चाट के नाम से ही सभी के मुंह में पानी आने लगता है, और यहाँ तो हम स्पेशल चाट बना रहे हैं, वो भी कटोरी चाट, जो घर में हम बना के बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं कटोरी चाट की तरफ। इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा ऑयल, नमक और पानी। सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा को एक बर्तन में डाल लिया है। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसमें मैंने डाला है जितनी मैदा ली है उसका 1/4 रिफाइंड ऑयल। ये मैंने मोयन के लिए डाला है। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह बन रहा है, तो अब ये परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, और हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार करेंगे। अब आप ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लीजिए। हमें जो डो है वो ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा हार्ड रखना है। जिस तरह हम मठरी वगैरह के लिए डो तैयार करते हैं, सेम ऐसा ही डो हमें तैयार करना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको चिकना करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर कर कर रख देंगे, जिससे कि मैदा अच्छी तरह फूल जाए। अब ये 10-15 मिनट बाद मैदा अच्छी तरह फूल गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा लोच और लगाएंगे। अब इस तरह चिकना करने के बाद अब हमें इसकी लोइयाँ तोड़नी हैं। पूरी से थोड़ी सी बड़ी हमें लोई तोड़नी है। इस तरह आपको हाथों से लोइयाँ तोड़ लेनी है। सारा आटा जो हमने लगाया था उसकी इस तरह लोई तोड़ने के बाद अब हाथ में इसको उठाएं और दोनों हाथों के बीच में रख के गोल गोल इसका पेड़ा तैयार करें। इस तरह जैसे हम रोटी और पूरी के लिए तैयार करते हैं, सेम ऐसे ही हमें इसका पेड़ा तैयार करना है। अब ये मैंने गोल गोल बना लिए हैं, और इसके ऊपर सूखा मैदा लगाकर हमें इसको बेलना है। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और जितनी बड़ी कटोरी आपने बनानी है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसे हमें बेलना है। मैंने यह इसे पूरी से बड़ा बेला है और रोटी से थोड़ा छोटा। और अब एक फॉक लेकर इस तरह आपको इसमें छेद करने हैं, जिससे कि ये फूले नहीं। अब ये मैंने एक स्टील की कटोरी ली है, और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगाकर चिकना कर लिया है। आपको इसी तरह इसको पहले अच्छी तरह चिकना कर लेना है, और फिर जो रोटी बेल के हमने तैयार करी है उसको हमें इसके ऊपर लगाना है। अब इस तरह इसको कटोरी के ऊपर अच्छी तरह लगा दीजिए। अब हमें इस कटोरी के ऊपर इसको अच्छी तरह सब तरफ से हाथों से दबाते हुए चिपका देना है, और जो एक्स्ट्रा रोटी है, अगर रोटी बड़ी बिल गई है तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है पूरी कटोरी को, और जो अंदर एक्स्ट्रा है उसको हम किनारी से, कटोरी की किनारी से ही काट कर निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। आप चाहें तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये किनारी से अच्छी तरीके से निकल जाता है। और अब इसको हम जो हमारा अभी हमारे पास डो है उसमें लगा लेंगे, और इसके ऊपर भी हम फॉक की हेल्प से छेद कर लेंगे। इस तरह फॉक से हमें करना है। फ्रेंड्स, ये कटोरी चाट बनाना बहुत ही इजी होता है। बहुत ही आसानी से ये कटोरी बनकर तैयार हो जाती हैं, और बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। अब जो कटोरी हमने बनाकर तैयार की है उसको हम ऑयल में तलने के लिए डालेंगे। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है। इस समय गैस का फ्लेम एकदम मीडियम है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकना है। अब ये कटोरी इस तरह ऑयल में डालने के बाद इस तरह इस कटोरी के अंदर ऑयल डालते जाएं आप। ये देखिए, जिस तरह मैं झर की हेल्प से इसमें ऑयल डाल रही हूँ उसी तरह आपको डालना है। किनारों में जब ऑयल जाता जाएगा और अंदर कटोरी के अंदर जब ऑयल भर जाएगा तो ये कटोरी अपने आप जगह छोड़ देगी और ये निकलने लग जाएगी, और चिमटे की हेल्प से आप इसे निकाल दीजिए। ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। अब अंदर जो ऑयल है उससे अंदर से भी आपकी कटोरी अच्छी तरह सिक जाएगी और बाहर से भी।
थोड़ी देर सेकने के बाद आप इसे पलट कर सेक लीजिए। अब ये मैंने दूसरी कटोरी भी ऑयल में डाल दी है और इसको भी हम इसी तरह सेकेंगे। सब तरफ इस तरह ऑयल डालते हुए इनके ऊपर हमें इन्हें सेकना है। ये हमारी जो दूसरी कटोरी हमने डाली थी उसने भी जगह छोड़ दी और कटोरी इजीली निकल कर आ गई है। अब ये कटोरियाँ अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसी तरह अब बाकी की सारी कटोरियाँ हमें सेकनी हैं। कटोरी कितनी अच्छी लग रही हैं और कितना अच्छा कलर आया है इनका। इन्हें बनाना बहुत इजी होता है। अब ये कटोरियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं और इनके अब हम बनाएंगे चाट। तो इसमें मैंने डाले हैं 1-1 चम्मच स्प्राउट्स और इसके बाद मैंने ये बॉईल किए आलू डाले हैं इसमें। इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, वो आलू मैंने इसमें डाले हैं। और इसके बाद ये काबुली चने डाले हैं मैंने इनमें। ये उबले हुए चने हैं, रात को भिगो दिए थे और उनको सुबह उबाल लिया था। और इसके ऊपर डाली है थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। इसमें आप जो भी अपनी पसंद का डालना चाहें, आलू छोले या कुछ और, वो डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा काला नमक और उसके बाद ये मैंने इसमें दही डाली है। दही को फैट लिया है और ये आप इसमें ताज़ा दही डालें, दही खट्टी ना हो। और अब दही डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है इसमें। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ और भी इसमें डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें अब डाले हैं ये कटे हुए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने डाली है इसमें ग्रीन चटनी। इस हरे धनिये की ग्रीन चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ऊपर से फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और दही, जिससे ये चाट दिखने में और खाने में दोनों में ही बहुत टेस्टी लगेगी। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन के बारीक सेब। जो सेब नमकीन होती है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बारीक बेसन की नमकीन आती है वो मैंने इसमें डाली है। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने डाले हैं कुछ अनार के दाने। इसमें आप अपनी चॉइस के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं और जो आपको अच्छा लगता है उसे डालकर आप ये चाट तैयार कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, ये गार्निशिंग के लिए डाला है मैंने। अब ऊपर से डाला है थोड़ा सा दही दोनों कटोरी में। इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा दही डाल लेना है। और दही डालने के बाद ये मैंने थोड़ी सी और ऊपर से डाली हरी चटनी। अब ये आपकी कटोरी चाट पूरी तरह बनकर तैयार है। अगर आपको ये कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।